नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर शुरू होने वाली तैयारियों के बारे में। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित करने का फैसला सुनाया गया था। पंचायत आम चुनाव के स्थगित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई है। हालांकि कोविड-19 की लहर से पहले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। चुनावी तारीख की घोषणा भले नहीं हुई हो, लेकिन पूरी व्यवस्था लगभग हो चुकी थी। लेकिन अब आयोग की तरफ से की गई सभी तैयारियों पर पानी फिर गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ तैयारियों के नाम को छोड़कर अब फिर से चुनाव कराने की व्यवस्था शुरू से शुरू करनी होगी। हालांकि चुनाव आयोग के सामने फिर भी सभी चुनौतियां कम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आकर खड़ी हो गई है कि मतदाता सूची को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। कोविड-19 की लहर से पहले ही मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर ही काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर से मतदाता सूची को जारी करना चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची अगले चुनाव तक अनुपयोगी हो जाएगी। यही कारण है कि नए सिरे से मतदाता सूची को तैयार करना होगा, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए अक्टूबर में रिवीजन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो राज्य में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 7,50,00,000 मतदाता शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से भारत निर्वाचन द्वारा जारी मतदाता सूची के आधार पर अपना ड्राफ्ट का प्रकाशन करना होगा। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग को इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि सभी शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को अलग अलग रखा जाए, यानी कि शहरी और ग्रामीण मतदाताओं की सूची निर्वाचन आयोग को अलग अलग बनानी होगी। इसके साथ ही सूची तैयार करने के बाद उसका प्रति वार्ड के आधार पर विखंडन करना होगा। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की सूची जारी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग अपनी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित करेगा। उसके बाद मतदाताओं से दावा आपत्ति की मांग कर उसका निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम मॉडल 2 से मतदान कराने की अनुमति मिल गई है। ईवीएम के भंडारण की सबसे बड़ी समस्या दोबारा से उत्पन्न होती दिखाई दे सकती है। अगर आपको याद हो तो पंचायत चुनाव को लेकर सारा दांव पेच ईवीएम के मुद्दे को लेकर ही फंसा हुआ था। ऐसे में ईवीएम को लेकर जारी लड़ाई के बीच इसके भंडारण की समस्या दोबारा से उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत एक बूथ पर 6 प्रत्याशियों के लिए 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट का रखरखाव करने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए जिला में ईवीएम के भंडारण की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही उसके प्रबंधन के साथ उसका एक फेज से दूसरे फेज में स्थानांतरण भी करवाना होगा। पंचायत चुनाव की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का काम 16 जून से सलाहकार समिति संभालने वाली है। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है। बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी लगा दी है, जिसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद ही सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। अब इसमें संशोधन के बाद यह अध्यादेश बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 कहा जाएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा में संशोधन कर नई उपधारा 5 जाएंगी, जिसमें धारा 14 की उपधारा 1 में 5 वर्षों की अवधि खत्म होने के पहले यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो अभी के अवसान पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में गठित किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।